इस तरह से लौकी और मीट का कीमे का ग्रेवी बनाते हैं जो खाने में बहुत ही यमी और टेस्टी लगता है। सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद होगी आप सब ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका मैं चैनल पर स्वागत है साधिका नूरैन किचन में। आज की रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कीमा और लौकी लौकी की ग्रेवी रेसिपी सालन, जो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनता है। चलिए फिर हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल ले लिया है। 2 बड़ा चम्मच मैंने रिफाइंड ऑयल गर्म कर दिया है। अब हम इसमें, यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हैं, 500 ग्राम मैंने यहाँ पे ऑनियन चॉप की हुई है, ये देखिए। अब हम इसे फ्राई करेंगे। जब ये लाइट गुलाबी हो जाएगी फिर हम इसमें कीमा डालेंगे मिर्च का। इसको फ्राई कर लेंगे लाइट गुलाबी होने तक। हमें ऑनियन को बीच बीच में चलाते रहना है ताकि जले नहीं और अच्छी तरह से हल्की गुलाबी हो जाए। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं लाइट गुलाबी हो चुकी है, हल्की गुलाबी ऑनियन। सकते हैं यहाँ पे मैंने 500 ग्राम मीट लिया हुआ है। अब हम ऑनियन में इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। मैंने मीट को अच्छी तरह से वॉश कर दिया है कीमे को। अब हम इसे 2 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे। फ्रेंड्स अच्छी तरह से ऑनियन में कीमा अच्छी तरह से भून चुका है। 5 मिनट मैंने बहुत अच्छी तरह से इसे भूना था। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। यहाँ पे हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे और कोरिएंडर पाउडर डालेंगे 1.5 चम्मच, रेड चिल्ली पाउडर 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून। अब हम अच्छी तरह से इसे 1 से 2 मिनट भूनेंगे। दो से चार मिनट हो चुके हैं, अच्छी तरह से भून गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अच्छी तरह से बॉईल होने लगा है। अब हम इसमें 1 से 2 सीटी आने तक फ्रेंड्स कुकर में प्रेशर बनने लगा है। अब हम 2 सीटी होने देंगे। 2 सीटी के बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। आप देख सकते हैं कीमा अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम इसे भून देंगे। फ्रेंड्स कीमा अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें ये जो मैंने 500 ग्राम लौकी ली हुई है इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके कट कर दिया है। इस तरह से टुकड़े में काटिएगा आप, ये देखिए। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने 500 ग्राम जो लौकी ली हुई थी मैंने इसे पूरी लौकी डाल दी है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालकर 1 सीटी लगा देंगे ताकि लौकी अच्छी तरह से गल जाए। फ्रेंड्स अब हम 1 सीटी लगा देंगे, ढक्कन को कवर कर देंगे। देखते हैं 3 से 4 सीटी हो चुकी थी और कद्दू बहुत ही अच्छी तरह से गल चुका है, ये देखिए। मैं आपको दिखाती हूँ, देखते हैं 3 से 4 सीटी हो चुकी थी। ये जो कद्दू लौकी थी ना बहुत ही अच्छी तरह से गल चुकी है बिल्कुल। अब हम इसे अच्छी तरह से भून देंगे। थोड़ा सा भूनने के बाद फिर हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे।
देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से ग्रेवी भुन चुकी है। अब हम इसे सर्व करने के लिए निकालेंगे सर्विंग प्लेट में। तो मैंने इसे सर्व करने के लिए निकाल लिया है। अगर आपको ये लौकी और कीमे की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज।